तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका नस्ल जरूर बताइएगा कि पिताजी इधर मछली खा रहे हैं सावन में। दूध निकाला हुआ हो गया है और दोस्तों देखिए दूध निकालने के बाद हम इधर भूसा और चोकर और चना और गुड़ खिलाने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों बहुत खुशी की बात है, हमारी छोटी चलने लगी। ये देखिए, ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, चलाओ चलाओ। देखिए दोस्तों, छोटी हमारी चल रही है, अब 1.5 साल पे चली है छोटी। 1.5 साल की हो गई, 1.5 साल से ज़्यादा की हो गई, तो अब चल रही है देखिए। और बकरी लोगों को हम लोग इधर चरा रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं है घर से, भाभी जी के घर के पास में ही है, उधर हमारा वो है घर और इधर ये सब भाभी जी का, तो यहीं पे है सामने में और यहीं पे ये लोग खिला रहे हैं। बाबू है, अर्चना है, एक लड़का और है, तो चला रहे हैं इसको। अब बहुत खुशी है कि चल रही है, अब बहुत दिनों से नहीं चलती थी, हम लोग प्रयास करते थे, डरती थी चलने से, रोती थी। और पवन जी भी इधरे हैं, दोबारा मुंडन करा लिए हैं, दोबारा गंजा हो गए हैं। तो दोस्तों हम भी होंगे अभी सर्दियों में। तो दोस्तों आज हम लोग अपने पड़ोस में एक नई दुल्हन आई है, उसको दिखाने वाले हैं। किसको दिखाएंगे, नई दुल्हन को? तो दोस्तों आप लोग को बता, सॉरी दोस्तों, दुल्हन नहीं, नई गाय आई है हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, तो उसको दिखाएंगे। और भी गाय जो हमारे पास है और एक पहले से भाभी जी के पास है, सब गायों को दिखाएंगे। और आप लोगों को बताना है कमेंट में कि सबसे अच्छी अच्छी गाय कौन सी है, सबका नस्ल आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सी नस्ल है, और जो आई है वो नई वाली वो क्या है। तो ये सब दिखाते हैं आज पूरा वीडियो में आप लोगों को। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा गाय तो आप लोगों ने देखा ही है, तो पहले अपने ही गाय से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से भाभी जी का गाय दिखाएंगे। फिर एक गाय और आई हुई है जो पड़ोस में, तो उसको भी दिखाएंगे और उसको आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन सी नस्ल की है। आइए जी, और देखिए इधर भाभी जी भी बैठी हुई हैं, आइए पवन जी। तो दोस्तों देखिए अभी उधर छोटी को बाबू सब लोग खिला रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं और पिताजी इधर सोए हुए हैं। तो अभी देखिए ये आए हैं, मुर्गी लोगों को दिखा दिए आप लोगों को। और ये देखिए इधर हमारी गौरी है जो खा करके एकदम मस्त है, फिट हो गई है, देख लीजिए, थोड़ा भी कम नहीं है इधर पेट में, 1 इंच भी कम नहीं है, खाली हो गौरी। और ये देखिए इधर अतवरिया खा रही है, तो इसको थोड़ा सा कम है, तो अभी चोकर डालेंगे इसमें, पूरा सफा चट कर जाएगी। तो इन लोगों का नस्ल तो आप लोग बता सकते हैं और देखे ही हैं, जो भाई नए हैं वो भी बताएं कमेंट में कि ये कौन सी नस्ल की है गौरी हमारी, और ये अतवरिया कौन सी नस्ल की है। और फिर यहाँ से चलते हैं दोस्तों, अभी उधर दिखाते हैं, चलिए जी, और उधर चलते हैं दोस्तों हम लोग। और थोड़ा सा एक नज़र आई आप लोग को, इधर घुमाते हैं हमारे तालाब घर में, पानी मतलब कितना कम या ज़्यादा हुआ है देख लीजिए। रास्ता हम उस दिन कल साफ कर दिए थे, और आइए पवन जी, और देखिए पानी एकदम कम होता जा रहा है दिन पर दिन, बढ़िया है हमारे लिए और अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पानी है, नहीं तो बाकी सब फर्स्ट क्लास सूखता जा रहा है देख लीजिए। और यहाँ तक देखिए, अरे पवन जी ये देखिए पूरा सीधर ही दोस्तों, पूरा एकदम मछली इसमें घूम रहा है हमारे घर में। पहले हम लोग इसमें सोते थे, अब मछली लोग सो रहा है यहीं पे। तो पूरा अब पानी सूख जाता है तो ये सब मेटंगा फेंक देंगे, एकदम फ्रेश कर लेंगे और हम लोग के रहने का दिक्कत ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इधर पिताजी भी आए हुए हैं, तो बकरी वाला घर में हम लोग रहते थे तो थोड़ा सा दिक्कत है। एक और चरपाई पड़ोस से लिए हैं तो एडजस्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन लोगों को ये सही हो जाएगा तो फिर सब सेट कर लेंगे। तोड़िए ना, तोड़िए वहाँ पर अमरूद, देखिए तोड़ने लगे पवन जी, ये सब कच्चा है देखिए ना, एक ये पका हुआ है, हाँ दो वहाँ पका हुआ है, वो दोनों पक गया है ऊपर वाला, हाँ। और दोस्तों देखिए ऐसे ही मैं तोड़ते तोड़ते में हाँ वाला, दोनों दोनों तोड़ लीजिए, हाँ दोनों, हाँ। और दोस्तों चलते हैं हम लोग, खाते हुए एगो हमको दे दीजिए, चलिए। तो अमरूद खाते हैं, हाँ अभी हम बहुत कम खाते हैं। और एक और देखिए पिताजी बनाए हुए हैं, आज दिन में हम आप लोग को नहीं दिखा पाए, ये नया बिल्कुल बनाए हैं, अभी इसमें पार ही नहीं लगाए हैं, मतलब
मछली मारने वाला है तो बना के चले जाएंगे, बोले हैं कि बना देंगे तो मछली मारते रहिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं दोस्तों, उधर दिखाते हैं आप लोगों को। अमृत पक गया है और दोस्तों देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे, जहाँ पे भाभी जी का गाय है पहले से। तो इसको आप लोग देख लीजिए गौर से और बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसको भी देखिए हरा चारा दिया गया है और इसको हम पहले दूध निकालें, अब दूध नहीं दे रही है, अब भाभी जी बोल रही है कि अब बेचेंगे, तो दूध बंद हो गया तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सीधा हिसाब है। दूध दे रही थी तो खिला रहे थे, अब बोल रहे हैं कि बेचेंगे, तो अब कौन खरीदेगा, कोई नहीं। तो अभी इसका नस्ल आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि कौन सी नस्ल की है, बढ़िया से देख लीजिए। थोड़ा डर लग रहा है पास में जाने से और मच्छर लोग परेशान कर दिया अभी इसी समय। तो चलते हैं दोस्तों, जो नई गाय आई है हमारे पड़ोस में उसको दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए चलते हैं नई नवेली दुल्हन के पास, मतलब हमारे पड़ोस में नई गाय आई हुई है, तो दिखा रहे हैं इसको। देखिए इधर से अर्चना की मम्मी अमरूद खाते हुए आ गई और देखिए ये तो पहले से है, लेकिन वो जो है उसको दिखाने वाले हैं अब अभी आप लोगों को। और ये भाभी जी का भैंस बच्चा दे चुकी है और पाड़ी बच्चा दी है, दूध भी बढ़िया से दे रही है। और ये देखिए ये है वो गाय जो नई आई है हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में। ऐ देखिएगा मरखा नहीं ना है, ऐ चुलबुल मरखा है ना। तो देखिए दोस्तों और कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सी नस्ल की है ये गाय, क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है, अनजान है। तो ए आओ ना इधर चुलबुल, कहाँ। तो देखिए दोस्तों इसको देखिएगा, भाभी जी के घर आई है पड़ोस में, बड़ी भाभी के घर। तो ना तो अभी ये जैसे हमारी गौरी है तो सेम गौरी के वजन में है, गौरी के लंबाई चौड़ाई हर चीज गौरी का ही है, लेकिन इसका कलर चेंज है। तो हमको तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल की है, मिक्स है या ओरिजिनल कोई नस्ल है, तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और छूते हैं थोड़ा, देखते हैं लात उत मारेगी कि नहीं। चलिए ठीक है, नहीं मार रही है और एकदम मस्त है, खा पी करके फिट है। और ये देखिए वो भैंस जो है उसका बछिया है, मतलब पाड़ी है ये। तो अभी ये गाभिन है दोस्तों, और आप लोग कमेंट में इसका रेट भी बताइएगा कि कितना रेट की होगी, लमसम आपके तरफ कितने में आ जाएगी। हमारे तरफ ये 25,000 की आई हुई है गाभिन है, तो अभी आप लोग बताइएगा कि ये 25,000 में हम लोग मतलब ये लोग लाए हैं भैया जी के घर। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कितना में आपके तरफ मिल सकती है। और जिनका है वो बोले हैं कि इसके पास 8 लीटर दूध है दोनों वक्त का, मतलब पहले ब्याहुत में दी थी ये, दूसरे में गाभिन है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका नस्ल ज़रूर बताइएगा। हमारे गायों का नस्ल तो हम जानते हैं, लेकिन इस गाय का नस्ल आप लोग बताइएगा। तो देख लिए दोस्तों आप लोगों ने नई गाय जो हमारे मोहल्ले में आई है, हमारे पड़ोस में। चलते हैं दोस्तों उधर, बकरी वकरी चरा रहे हैं बच्चा लोग उधर, क्योंकि छोटी वहीं पे है और ये भैंस भी बच्चा दे चुकी है और दूध दे रही है। आज लगभग 1 महीना हो गया इसको बच्चा दिए हुए, अभी चारा डालो चुलबुल, चारा ख़त्म। दोस्तों हमारे तरफ चारा का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं चारों तरफ पानी है, कहीं शायद कोई खेत है जो बचा हुआ है, उन्हीं खेतों से हम लोग लाते हैं, नहीं तो खरई काट के लाते हैं नदी किनारे से। आइए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर है चारा का, और 25,000 की वो गाय है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग तरफ कितना में आ जाएगी।
और दोस्तों देखिए हम लोग इधर गाय लोगों को आप लोगों को दिखा दिए हैं कौन कौन सा नस्ल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और नई वाली जो गाय आई है उसका नस्ल जरूर बताइएगा और रेट भी बताइएगा कितने में आप लोगों की तरफ मिल सकती है। और दोस्तों अब हम लोग चलेंगे बाजार, हम और पवन जी, और मछली लाना है सावन में, तो ऐसी मछली लाएंगे कि सावन क्या हर महीने में खा सकते हैं, सावन में सब कोई खा सकता है, जो साधु होगा वो भी खा सकता है। ऐसा मछली देखने के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और ऐसा ही मछली लेकर आते हैं अभी थोड़े ही देर में। दोस्तों बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, चलते हैं अभी मछली लेकर आते हैं। पिताजी आए हैं तो उनको मछली खिलाएंगे सावन में, और कौन सा मछली है आप लोग देखने के लिए ज़रूर देखिएगा एक बार कि कौन सा मछली लाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब पवन जी चले गए घर अपना वो गाड़ी लाने के लिए, और देखिए पिताजी इधर बैठे हुए हैं। और हमारे पिताजी यहाँ पे आप लोग वीडियो में नहीं देखते होंगे क्योंकि यहाँ ये रहते नहीं हैं, बचपन वाले घर पे ही रहते हैं। तो अभी आए हैं बैजनाथ धाम से, तो यहीं पे हैं अभी 4-5 दिन, जितना दिन इच्छा करेगा तो रहेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जब कहेंगे तो वहाँ पहुँचाएँगे। तो दोस्तों थोड़ा आप लोगों से मिलवाते हैं और बात भी कराते हैं। बोलिए इसमें बोलिए कि हमारे लड़के को सपोर्ट करिए। हमारा लड़के को सपोर्ट करिए, कस के बोलिए हमारा लड़का का सपोर्ट करिए। हाँ दोस्तों सभी लोग सपोर्ट करिए। हाँ और दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे मतलब बहुत खुशी है, सभी लोगों एक साथ हैं हम सब लोग। तो ये बाबू बाबू दादाजी कहाँ रहते हैं बताओ? उस घर पे। तो दोस्तों दादाजी उस घर पे रहते हैं, मतलब आते हैं कभी कभार बाय चांस, तो हम आप लोगों को नहीं दिखाए थे वीडियो में लेकिन अभी दिखा रहे हैं। और हमारे पिताजी बोल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग तो सपोर्ट करते ही हैं, और भाई जो लोग नए हैं वो लोग सपोर्ट करें हमको कि हमारा उधर जो पानी में घर है वो ऊपर बने, इधर बढ़िया से चाहे इसी तालाब को भर के हम लोग बनाएँ। और एक ही घर से हम लोगों का थोड़ा ये बकरी वाला घर है उधर में ही रहना पड़ रहा है, इस समय डूब चुका है, तो जब डूब पानी हट जाएगा तो उधर भी रहेंगे, लेकिन जब सपोर्ट आप लोगों का बनेगा तो इसको भरवा देंगे और भरवा के यहीं पे घर बना देंगे दोस्तों। तो सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है, और एक एक आदमी सपोर्ट कर देता है तो कोई भी इंसान आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, हम चलते हैं बाजार। पवन जी उधर से देखिए गाड़ी लेके आ ही गए हैं, तो चलते हैं, लीजिए मोबाइल हम जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए हम और पवन जी बाजार गए थे, तो बाजार से आ गए हैं और अभी गाय का दूध निकालने जा रहे हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ बन रहा है मछली, और ऐसा मछली बन रहा है कि सब लोग खा सकते हैं, सावन में भी खा सकते हैं, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। पहले गाय का दूध निकाल लें, क्या है बाबू? तो दोस्तों फाइनल इसका दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को मछली कौन सा लाए हैं। और दोस्तों देखिए हमारा दूध निकाला हुआ हो गया है, अब चलते हैं हम लोग उधर। उधर अर्चना की मम्मी बना रही हैं खाना वाना, और शीतल को छोड़ देते हैं, शीतल पिएगी। और दोस्तों देखिए दूध निकालने के बाद हम इधर भूसा और चोकर और चना और गुड़ खिलाने जा रहे हैं, तो दोनों को भूसा डाल दिए हैं अभी इधर, और इसमें अभी डालेंगे चोकर, गुड़ और चना। तो गुड़ और चना इसको देते हैं कि ये दूध देती है इसलिए, और सब कुछ खिलाने के बाद भी दोस्तों दूध घट रहा है, मच्छर लोग भी काट रहे हैं, और हमारे तरफ पानी की वजह से चारा नहीं मिल पा रहा है। और देखिए पिताजी इधर मछली खा रहे हैं सावन में, और देख लीजिए कौन सा मछली है। अब बाबू देखिए यहाँ सो गया है, तो दिखा दीजिए पिताजी कौन सा है मछली। मछली नहीं है। हाँ क्या है बताइए? बेसन है बड़का। हाँ हाँ दोस्तों देखिए बेसन का सब्जी है, और सेम हम लोग मछली का प्रोसेस प्याज सब कुछ डाल करके, देखिए ऐसे देखने में दिख रहा है कि मछली है लेकिन मछली नहीं है। हाँ तोड़ के दिखाइए, देखिए तोड़ के दिखा रहे हैं पिताजी, मछली नहीं है। हाँ ये मछली नहीं है, सावन में नहीं खाया। हाँ सावन में नहीं खाया जाता है, देख लीजिए पिताजी बता रहे हैं कि सावन में हम लोग नहीं खाते हैं पूरा एक महीना,
तो दोस्तों ये मछली के तौर पे ही बना है, बेसन का सब्जी है। तो अभी पिताजी को खाना दे दिया, अब गाय लोगों को खाना देते हैं, उसके बाद हम खाएंगे। और पवन जी को भी मछली सॉरी बेसन का सब्जी आज बोले हैं कि आप भी आ जाइएगा, तो उनको भी फ़ोन करते हैं अभी, वो भी आएंगे। तो चलते हैं, पहले इन लोगों को खिला लेते हैं, पहले इनका पेट भरेंगे फिर अपना पेट भरेंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए, अब हम और पवन जी बैठ गए हैं खाने के लिए। और दोस्तों ये बेसन का सब्जी है, मछली नहीं है। सावन में कोई मछली नहीं खाता है। देख लीजिए ये बेसन है, ये देखिए। तो बेसन का सब्जी बना हुआ है एकदम फर्स्ट क्लास, धनिया टमाटर मार के एकदम मसालेदार, बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग खा रहे हैं और पिताजी खा लिए हैं, बाबू सो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि वो गाय कितने की होगी और कौन सी नस्ल है। बाय कर दीजिए। बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों, और बेसन का सब्जी यानी मछली खाइए दोस्तों।